केंद्र सरकार समय समय पर भारत में रहने वाले हर एक नागरिक, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर जवान, सबके लिए कोई ना कोई स्कीम निकालती रहती है जिससे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट ना पैदा हो। अब की केंद्र सरकार ने 70 वर्ष पार कर चुके व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत इस उम्र में आकर अगर वो अपना इलाज करवाने में असमर्थ है तो उसको इलाज करवाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी के तहत आज जालंधर भाजपा की आईटी सेल की अध्यक्ष दीपाली बाबड़िया तथा उनकी टीम द्वारा सिल्वर पाम अपार्टमेंट जालंधर कुंज में एक विशेष कैंप लगाया गया, जहाँ इलाके में रहने वाले बुजुर्गों की आयुष्मान कार्ड बनाए गए। कैंप में आए लोगों ने केंद्र सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए भाजपा सरकार कहा कि भाजपा सरकार ही जनता की हितैषी है। इस अवसर पर उनके साथ राजेश अग्रवाल, HKL शर्मा, RS वालिया भी उपस्थित रहे। नमस्कार जी, आज भारतीय जनता पार्टी वालों जलंधर कुंज दे विच आयुष्मान कार्ड का कैंप जो 70+ रेगुलर साडे कैंप भारतीय जनता पार्टी वालों चल रहे हैं। आज जलंधर कुंज दे विच कैंप लगाया गया। यह कैंप हरकृष्ण लाल शर्मा जी, रजनीकांत हांडा जी, राजेश अग्रवाल जी वालों बहुत उत्साह नाल लगाया गया और काफ़ी इतने 70+ जे लोग है कार्ड आके बना रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ किसी वहमा भरमा से ना पवो, सबू यही बेनती है फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड बन रहे हैं आयुष्मान कार्ड और 5 लाख का बीमा ये फ्री है। तुम किसी भी हॉस्पिटल जाके इलाज करवा सकते हो और प्रधानमंत्री मोदी जी वालों सबू निवेदन है कि अपना आयुष्मान कार्ड का 70+ कार्ड बना के यदा लाभ उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी और सारी जी टीम का जलंधर कुंज जिनी भी टीम है सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो ये अगे आए हैं इन्होंने इतने कैंप लगवाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी।